लंका प्रीमियर लीग के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले कुछ खिलाड़ियों ने नाम वापस लिए और अब इस लीग पर कोरोना संकट छाने लगा है। लीग में शामिल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सुहेल तनवीर और कनाडा के बल्लेबाज रविंद्र पाल सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज लसित मलिंगा और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर क्रिस गेल पहले ही लीग से हट चुके हैं। इंग्लैंड के लियाम प्लकेट और रवि बोपारा ने भी नाम वापस लिए हैं। रविंद्र पाल सिंह कोलंबो किंग्स के खिलाड़ी हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेट हो गए। रविंद्र के साथ एक ही प्लान में आंद्रे रसेल सहित कई खिलाड़ियों ने भी सफर किया था। सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। LPL में 5 टीमें हैं, इसमें कोलंबो किंग्स, कैंडी टस्कर्स, जाफना स्टैंडलियर्स, दाम्बुला हॉक्स और गेल ग्लेडिएटर्स शामिल हैं। 26 नवंबर से शुरू होने वाली इस लीग में कुल 23 मैच होने हैं। फाइनल 16 दिसंबर तक खेला जाएगा। प्रत्येक दिन डबल हेडर मैच होंगे। वहीं 13 और 14 दिसंबर को सेमीफाइनल्स होंगे। इरफान पठान, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी और सुदीप त्यागी समेत कई खिलाड़ी LPL में खेल रहे हैं। भारत के वही खिलाड़ी विदेशी लीग खेल सकते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से रिटायरमेंट ले लिया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।